शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटा, बस एक हफ्ते की बात है। ये देखो, ऐसे चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे। और आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप पापा को फोन कर लेना। करोगे ना? पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बेटा सुनो तो। बेटा, अरे पहले तुम हमारी बात सुनो। बेटा तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन हम तुम्हारी माँ हैं और सिया की दादी। हम सिया को यहाँ से हरगिज नहीं जाने देंगे। हाँ मम्मी, क्या कर रहे हो आप? अरे वही जो तुम्हें करना चाहिए था। अरे तुम अपनी बेटी को यहाँ से दुखी करके कैसे भेज सकते हो? वैसे भी उसकी सारी जरूरतें जो हम यहाँ पूरी करते हैं वहाँ नहीं पूरी होंगी। मम्मी, फैसला हो चुका है अब, पर अब मैं भी चाहता हूँ ये हो। श्रद्धा बहुत रौब जमाती है ना सानवी की परवरिश का। अब मैं भी देखना चाहता हूँ और उसे भी समझ में आएगा कि हमने सिया को कैसे पाला है। किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी है उसे। भगवान, क्या हो गया आपको? आपकी पेट की तकलीफ फिर से बढ़ गई है क्या? ये ब्लड टेस्ट क्यों? श्रद्धा, श्रद्धा, तुम शांत प्लीज। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, हमेशा अपनी दवाई टाइम पे लिया कीजिए। फिर से बीमार पड़ गई ना आप? लीजिए, आप अपनी दवाई लीजिए। श्रद्धा, सबसे पहले एकदम तुम शांत हो जाओ। मम्मी की टेंशन ना लो। मम्मी एकदम फिट एंड फाइन है। चेहरा देखो। थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था और कुछ नहीं। अब इनका बीपी ठीक है, मैंने ब्लड ले लिया है, रिपोर्ट कल मिल जाएगी। आप श्रद्धा की मैडम। श्रद्धा, मम्मी जी की ऐसी हालत में सिया को यहाँ लाना, अब मेरा मतलब है कि उसके लिए भी नए लोग, नई जगह, ऐसे वक्त पे हमें उस पर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। बटा हुआ नहीं। जानती हूँ मैं, और मुझे इस वक्त सिर्फ सिया की नहीं, सानवी की भी बहुत चिंता है। वो अभय के पास 7 दिनों के लिए जा रही है। वो जगह उसके लिए नई है, वहाँ के लोग नए हैं। अब इतने लंबे वक्त के लिए वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही है। तो फिर? फिर क्या, अब कहने के लिए तो मैंने ये बात कह दी है, लेकिन संभालूंगी कैसे उस बात की चिंता है। बेटा, सब अच्छे से हो जाएगा जब नानी अपनी सिया का ख्याल रखेगी और श्रद्धा अपनी मम्मी का। और बेटा तुम सानवी की चिंता मत करो, हमारी बच्ची बहुत समझदार है। बेटा वो अपना ख्याल अच्छे से रख लेगी। बेटा पर मम्मी, डर तो फिर भी लगा रहता है ना। बेटा, जिंदगी में नियत बहुत मायने रखती है, और तुम तो अच्छा ही सोच रही हो। देखना सब अच्छा होगा। सिया को यहाँ हम सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा बेटा। और बेटा बात रही सानवी की, सानवी अपने गुरु से सबका दिल जीत लेगी जैसे तुम जीत लेती हो। पर मम्मी, आप कैसे ख्याल रखेंगे उसका? आपकी तबीयत खुद ठीक नहीं है। बेटा हमारी तबीयत तो तुम सबको यहाँ देख कर ही ठीक हो जाएगी। बेटा आने दो ना सिया को। आ गई ना एक बार सानवी, तो समझ लो दीदू का आना जाना शुरू। फिर तो दीदू हमेशा के लिए घर वापस आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा, हम ये नहीं होने दे सकते। कीर्ति, लगा लो। क्या लगा ले? क्या है ये? अरे ये दिमाग के लिए दवाई है, आप इसे दिमाग पे लगाओ, दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है। लगाओ लगाओ। सर पे लगाए सर हम। हाँ, आइस पैक लगा ले हम। अरे अरे, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लग जाता तो। हम
जितना भी दीदू का साथ देते वरुण जी, दीदू इस घर में वापस नहीं आएंगी और हम कल के जगराते में करके रहेंगे। जी आइए आइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये डेकोरेशन कैसी लगी? आपके स्टाइल में बिल्कुल ढिंचैक वाली डेकोरेशन की है। अरे भाई, आपका जन्मदिन है, कोई मजाक थोड़ी है। सबने मिलकर घर को ऐसे सजाया है मानो जैसे हमारे जीवन में नई जान फूंक दी हो। आज तो घर चमकना ही चाहिए क्योंकि आज घर की लक्ष्मी जो आ रही है। खुश तो बहुत होंगी ना आज आप बुआ, पर अब हम आपको दिखाएंगे रोशनी को अंधेरे में कैसे बदलते हैं। अरे ये बच्चे कहाँ हैं? शरारत ही नहीं करे, नजर ही नहीं आ रहे। सिया, मत जाओ ना, वहाँ तुम बोर हो जाओगी। अब पता है वहाँ पे घर का खाना खाना पड़ता है, शॉपिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन पापा ही नहीं मान रहे और उस सानवी की मम्मा ने उन्हें भड़का दिया। सिया, आप परेशान क्यों हो रही हैं? इस मुसीबत से हम आपको बचा सकते हैं। पक्का? पक्का वाला पक्का। अब आप दोनों ये चिप्स खत्म करिए फटाफट, नीचे जगराते में सब आपका वेट कर रहे हैं। अरे फिनिश करो फटाफट। ऋतु, आज आपका जन्मदिन है, सिर्फ इसलिए हम आए, वरना ये आखिरी बार होगा, ठीक है? ओहो भाभी, आने से पहले ही आप जाने की बात करी। अरे पहले आइए तो सही, आइए। संभाल के। नैना भाभी ने एन मौके पर तनुजा भाभी को बचा लिया। हमें तो पुराने दिन की याद आ गई। हमारा मतलब है देखिए कैसे नैना भाभी ने आपके बनाए हुए लड्डू बचा लिए। अरे एन मौके पे मदद करके हम पे एहसान जो जताना है, वरना अगर ये हमारे हाथ से गिर गया होता तो इल्जाम तो हम पे ही आता कि हमने जानबूझ के किया है। तनुजा, पुरानी बातें भूल भी जाइए, आज ऋतु का जन्मदिन है तो आज सब अच्छा होगा। श्रद्धा भी घर आ रही है और उनके साथ सानवी भी तो घर आ रही है। इतने सालों से घी जमा हुआ है, अब उसे पिघलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। चलिए, अब शगुन का पहला ड्रामा तो समझ में आ गया, अब बस दीदू और सानवी का इंतजार है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।